हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे, एंटीबायोटिक्स। हमने थोड़ा उसका एक क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था। उसके अंदर हमारा फर्स्ट जो था, दैट वाज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। देखिए, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हैं, वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है, एक बहुत बड़ी सी कैटेगरी है, जिसके अंदर ऐसे एंटीबायोटिक्स आते हैं जो बीटा लैक्टम रिंग को अपने न्यूक्लियस में या अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कैरी करते हैं। तो अब आपके पास एक ये क्वेश्चन हुआ कि बीटा लैक्टम क्या हुआ। तो बीटा लैक्टम जो है, वो एक केमिस्ट्री का ऐसा पोर्शन है, या आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी रिंग है, जिसमें तीन कार्बन हाईली रिएक्टिव स्पीशी में होते हैं और साथ में एक नाइट्रोजन की रिंग होती है। तो इस अरेंजमेंट से जो केमिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट इज नोन एज बीटा लैक्टम। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हैं, वो अपना लीथल एक्शन, यानी कि अपना टॉक्सिक एक्शन जो है, वो देखाते हैं किस प्रकार से, कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस है उस पे इंटरफेयर करते हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को रोकने की, कम करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर काम करे। क्यों? क्योंकि इससे जो बैक्टीरिया है, वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से, और यहाँ पर बीटा लैक्टम रिंग पर अफेक्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो जो हमारे बीटा लैक्टम वाले रिंग्स होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि ये सैचुरेटेड 5-मेंबर रिंग यहाँ पर इससे जुड़ सकती है। सैचुरेटेड 5-मेंबर रिंग मतलब एक ऐसी रिंग जिसमें 5 कार्बन होंगे और वो सैचुरेटेड होंगे, मतलब सभी के सभी सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे पैनल, यहाँ पर बीटा लैक्टम होता है, लेकिन उसके साथ थायाजोलिडीन की रिंग होती है। थाया वर्ड आ गया तो सल्फर की रिंग हो जाएगी। ये देखिए आप, सल्फर, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका पैनम्स के लिए। फिर है कार्बा पैनम्स। कार्बा पैनम्स में क्या हो जाएगा, पायरोलिडीन की रिंग हो जाएगी, मतलब थायाजोलिडीन से थाया वर्ड चला गया, है ना, पायरोजोलिडीन बन गया। यहाँ देखिए आप, ये कार्बन जनरल, तो ये बन गया कार्बा पेनम। तीसरा होता है ऑक्सा पेनम। ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन होगा, है ना, तो यहाँ पर ऑक्साजोलिडीन की रिंग होती है, ये बन गया आपका ऑक्सा पेनम। इसके बाद बीटा लैक्टम के साथ में हमारे पास हो जाएगा अनसैचुरेटेड 5-मेंबर्ड रिंग, यानी कि जो कार्बन की 5-मेंबर्ड रिंग है, वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड अपने साथ कैरी करती है, यानी कि एक कहीं पर भी तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसमें जो आता है वो पेनम से पेनिम्ब ई बन जाता है ना, ई एन ई अपन जानते हैं, उससे याद रखना इजी होगा, डबल बॉन्ड वाला, है ना। तो यहाँ पर 2-3 ड्राई हाइड्रो थायाजोल की रिंग बन जाएगी। थायाजोल की रिंग है मतलब सल्फर रहेगा, और यहाँ पर 2 और 3 पोजीशंस पर 2 हाइड्रो ग्रुप अटैच हो सकते हैं। तो ये बन गया पिनम्स का स्ट्रक्चर। फिर है आपका कार्बा पिनम, यहाँ पर होता है 2-3 डाई हाइड्रो 1H पायरोल की रिंग, ठीक है, यानी कि ये 5-मेंबर्ड रिंग होगी और नॉर्मल एक H रहेगा। तो ये बन गया आपका कार्बा पेनम्स, ठीक। इसके बाद इसमें जो हमारा थर्ड है, दैट इज बीटा लैक्टम फ्यूज्ड अनसेचुरेटेड 6-मेंबर्ड। ऊपर वाले दोनों 5-मेंबर्ड थे, अब आ गए हम 6-मेंबर्ड पे। इसके अंदर पहला है सीफेनेम्स। सीफेनेम्स का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर भी थायाजीन की रिंग है, ये देखिए सल्फर, अब ये 6-मेंबर्ड रिंग हो गई, पहले 5-मेंबर्ड थी। फिर है आपका कार्बोसिफेनम। कार्बोसिफेनम में अगेन जो है हमारा टेट्राहाइड्रोपाइरीडीन की रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कार्बापेनम के, कार्बोसिफेनम के स्ट्रक्चर में
कि यहाँ पर आप देखिए सल्फर चला गया और ये सिक्स मेंबर्ड रिंग हो गई। फिर ऑक्सासिफेनम मतलब ऑक्सीजन साथ में होगा, ये देखिए ये ऑक्सीजन हो गया आपका और ये सिक्स मेंबर्ड रिंग हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बीटा लैक्टम नॉट फ्यूज्ड टू एनी अदर रिंग, मतलब ये जो सिक्स मेंबर्ड फाइव मेंबर्ड एडिशनल वाली कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, ये इंडिविजुअल बीटा लैक्टम की रिंग होगी, जिसमें आपका पहला होता है मोनोबैक्टम, है ना। मोनोबैक्टम मतलब ये हो गया अकेला, ये देखिए इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं। हमने क्या दम समझा था कि बीटा लैक्टम में तीन रिएक्टिव कार्बन और चौथा एक नाइट्रोजन से अटैचमेंट, तो ये वो नाइट्रोजन एक दो तीन रिएक्टिंग कार्बन स्टिक, तो ये इंडिविजुअल बीटा लैक्टम की रिंग हो गई, इसका नाम कहलाता है मोनोबैक्टम। नेक्स्ट है आपका एजिट्रोनम, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बीटा की रिंग हो गई आपकी बीटा लैक्टम वाली, यहाँ पर ये एच एक कार्बन का बॉन्ड खाली करके ये एडिशनल पूरा सा ये वाला स्ट्रक्चर एड ऑन हो। बाद नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन, है ना। तो क्लासिफिकेशन बीटा लैक्टम का कैसा होता है, इसके अंदर आ जाता है आपका पेनिसिलिन, अरबापेनम, मोनोबैक्टम, सिफेलोस्फोरिन। पेनिसिलिन नेचुरल हो सकता है, एंटी स्यूडोमोनल हो सकता है, रेजिस्टेंट पेनिसिलिन हो सकता है या अमीनो हो सकता है। फिर एंटी स्यूडोल को डिवाइड करेंगे कार्बोक्सी और यूरिडो में, फिर हम लोग सिफेलोस्पोरिन को डिवाइड करते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। देख अगर हम नेचुरल पेनिसिलिन की बात करें तो हमारा एग्जांपल है पेनिसिलिन कार्बोक्सी, एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन की बात करें तो कार्बासिलिन, फिर स्यूडोमोनाल के अंदर ही अगर हम बात करें तो यूरिडो, यूरिडो के अंदर पिप्रीसिलिन, रेजिस्टेंस पेनिसिलिन ऑक्सासिलिन, कार्बापिनिम्स के एग्जाम्पल एपनामिम, मोनोबैक्टम में एजिट्रोनम, सिफेलोस्पोरिन में फर्स्ट जनरेशन इज एम्पीसिलिन, सेकेंड इज सिफोलाजोलिन, थर्ड है सिफेटोक्साइम और फोर्थ है सिफेपिम। तो ये है ओवरऑल बीटा लैक्टम्स का क्लासिफिकेशन। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को पेनिसिलिन पढ़ना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।